दोस्तों, तो फिर से लेके आए आपके लिए टेक भंडार। तो वीडियो स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो हो सके तो लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी डेली टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और वहीं मैं बात करूँ तो कल की टेक न्यूज़ नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना और मेरे को टिकटॉक पर एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम बहुत कुछ डालते रहते हैं। तो चलो फिर न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पहली टेक न्यूज़ की मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा जो जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट बंद कर देता है, शायद अगस्त 5 को लास्ट ईयर में आपको बंद कर दिया था। तो आखिरकार जो 2G इंटरनेट था उसे बंद कर दिया गया, तो आखिरकार जो 2G इंटरनेट वापस रिस्टोर कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये कुछ जगह ही भी वेबसाइटों पे काम करेगा, तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो तो आपके लिए खुशखबरी, रिस्टोर कर दिया गया है। अगली टेक न्यूज़ की मैं बात करूँ तो सैमसंग की तरफ से रही, तो जो सैमसंग है अपना जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फिल ये फोल्डेबल स्मार्टफोन आखिरकार जो MWC होगा 11 फरवरी को उसमें शायद कंपनी लॉन्च कर सकती है। वहीं मैं बात करूँ तो इसमें अभी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल सकता है। और वहीं बात करूँ एस पेन भी आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। तो जो आपको सैमसंग गैलेक्सी जेड फिल नाम से स्मार्टफोन देखने मिलेगा, ये गैलेक्सी फोल्ड का ही आपको सक्सेसर देखने को मिलेगा। तो देखेंगे आखिरकार जो फरवरी में क्या होता है। इसकी मैं बात करूँ तो टिकटॉक तरफ से, तो टिकटॉक ने डील किया जो आपको पता होगा मार्जिन, तो ये जो थाउजेंड ऑफ म्यूजिक्स एंड बहुत कुछ आर्टिकल्स एंड प्रोवाइड करता है, तो अभी टिकटॉक ने इनके साथ ज्वाइन किया, हाथ किया है तो डील किए। तो वही अगर मैं बात करूँ तो जो आपको टिकटॉक के प्लेटफॉर्म में आप बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिक्स देखने को मिलेंगे जो इंडिपेंडेंट्स लेवल के साथ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा आर्टिकल्स म्यूजिकल अब जो मिर्जिल के साथ हाथ में ले लिया है। तो अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो क्या आपको पता है जो वीवो है, वीवो ऑफलाइन मार्केट में सबसे टॉप ब्रांड में आता है। तो वह भी कंपटीशन होने के बाद, जैसे सैमसंग शाइमिंग जैसे स्मार्टफोन के कंपटीशन होने के बाद भी वीवो सबसे टॉप ब्रांड में आता है। तो मैं आपको बता दूँ जो वीवो है उनके शेयर्स 24.7% शेयर्स है ऑफलाइन मार्केट में। तो आप सोच सकते हो शाइमिंग और सैमसंग ब्रांड्स के बाद भी वीवो ऑफलाइन मार्केट में टॉप आ रहा है। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो नोकिया की तरफ से आ रही, तो आपको पता ही होगा जो नोकिया 4.2 ये स्मार्टफोन तो आपको देखने को मिला था, लेकिन अभी इसका सक्सेसर आपको देखने को मिलेगा नोकिया 4.3। ये स्मार्टफोन आखिरकार जो सर्टिफाइड हो के लिस्ट सामने आया, ब्लूटूथ साइड पे भी सर्टिफाइड हो चुका है और बहुत सारी साइडों पे ये लिस्ट होकर सामने आया, जिसमें शायद प्रोसेसर आपको जो स्नैपड्रैगन 439 वाला चीपेस्ट वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन में। और कंपनी ने ऐसा कहा कि ये बजट स्मार्टफोन होने वाला, तो हो सकता है नोकिया 4.3 स्मार्टफोन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो सैमसंग की तरफ से, तो जो सैमसंग का एक और स्मार्टफोन FCC पे सर्टिफाइड होकर सामने आया, तो वही मैं बात करूँ तो ये सैमसंग गैलेक्सी A10 का आपको सक्सेसर देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A11 नाम से आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसमें जो स्पैक को सामने आया, तो आपको पीछे की साइड कुछ रियर कैमराज या आपको ट्रिपल कैमराज देखने को मिल सकते हैं पीछे की साइड में, और पीछे की साइड ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल सकती है, और ये एंड्रॉयड 10 पे काम करना है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 पे काम करेगा और बहुत कुछ ज़्यादा कुछ सामने आने, लेकिन सैमसंग का A सीरीज़ का स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो आपको सबको पता ही होगा कि जो आप 5G तो देखने मिलेगा जापान में और बहुत जगह, तो आपको और कंट्रीज में तो 5G देखने मिलेगा, लेकिन इंडिया अभी तक में आपको 5G नहीं देखने मिलेगा। तो वही मैं बात करूँ तो अभी जापान की तरफ से न्यूज़ आ रही कि जापान अभी 6G के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वही मैं बात करूँ तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, जो आप 5G इस्तेमाल करते हो उससे भी आपको 10x इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी 6G पे। और इनने इन्वेस्ट भी किया है, 2.3 बिलियन इन्वेस्ट भी कर दिया 6G के ऊपर। तो देखेंगे ये जो 2030 तक आपको 6G देखने को मिल जाएगा। तो सोच सकते हो अभी इंडिया में 5G नहीं आया और 6G की तैयारी होना स्टार्ट हो चुकी है। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो ओप्पो की तरफ से, तो ओप्पो अपनी एक और एप्लीकेशन लॉन्च करेगा, मतलब एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। तो वही बात करूँ तो ये जो एप्लीकेशन है ओप्पो खासा ऐप नाम से आपको देखने को मिलेगी, इससे आप UPI पेमेंट कर पाओगे। और वही अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आप MI पे स्मार्टफोन्स खरीद सकोगे और लोन ले सकोगे, और ये फाइनेंस एप्लीकेशन होने वाली है। और वही अगर मैं बात कर लूँ तो इस एप्लीकेशन आपको जून 2020 तक आपको ये एप्लीकेशन देखने मिलेगी, और बाकी स्मार्टफोन में भी आपको देखने मिलेगी जब ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, कैपेसिटेड हो ओप्पो खासा ऐप के लिए। इसकी मैं बात करूँ तो कंपनी जो रिसर्च होती है वहाँ पे अभी ऐसी रिसर्च चल रही है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आप स्पाइडरमैन चढ़ता है जैसे दीवारों पे, वैसे ही अभी वो लोग एक रोबोट बना रहे हैं जिसके जरिए आप दीवारों पे चढ़ पाओगे, उसे पकड़ के आप कहीं पे भी जैसे भी दीवारों पे आप चढ़ना चाहते हो वैसे चढ़ सकते हो, इसमें प्रेशर कुछ नहीं। तो उसके ऊपर ये भी टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, तो आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा जैसे स्पाइडरमैन चलता है तो आप वैसे भी चढ़ सकोगे।
अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो रियलमी की तरफ से रही, तो रियलमी का मैं आपको बता देता हूँ, रियलमी जो X50 Pro है ये आखिरकार डिप्लोमेंट में अभी काम चल रहा है, इसको कुछ हिंट दिया कंपनी ने तो अभी ये काम चल रहा है, तो सोच सकते हो रियलमी X50 Pro ये स्मार्टफोन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो रियलमी का जो C3S नाम से आपको एक और स्मार्टफोन देखने को मिलेगा रियलमी का, ये भी सर्टिफाइड होकर लिस्ट सामने आ चुका है। और वहीं मैं बात करूँ तो जो शाइमिंग का आपको देखने को मिलता है, जो शाइमिंग ब्रांड्स, तो आखिरकार जो यूट्यूब चैनल है उनका महादेव शेट्टी का, तो उन्होंने जो महादेव शेट्टी में वहाँ पे किया था कि आस में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक ब्रांड आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी रियलमी का भी। तो अगली टेक्निक्स की बात करूँ सैमसंग की तरह, तो आपको सैमसंग का क्विक शेयरिंग जो होता है वो आपको देखने मिलेगा फाइल, तो आप इससे फाइल ट्रांसफ़र कर सकोगे, एक मिनट में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जो भी गैलेक्सी स्मार्टफोन से उनमें आप सैमसंग के जो क्विक शेयर एप्लीकेशन है उसके ज़रिए आप ये शेयर करोगे पाओगे। एप्लीकेशन तो ज़रूरी नहीं है एक इनफ ही रहने वाला, तो आपके जो सैमसंग के लिए S20 सीरीज़ है इनमें आपको देखने को मिल सकता है ये फीचर। आज की जो टेक ऑफर की हम बात कर लेते हैं, तो मैं आपको दो ऑफर बताने वाला हूँ, शाइमिंग का और रियलमी का। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ शाइमिंग की, अगर आप शाइमिंग की टीवी खरीदना चाहते हो तो मैं आपको एक टीवी बता देता हूँ, शाइमिंग जो MI TV 4A Pro इस पर ऑफर चल रहा है, अगर आप 26 जनवरी से पहले खरीदते हो, जो रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी, अगर आप उससे पहले खरीदते हो तो इस पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, ये अभी 11,999 में आपको देखने मिलेगी। तो अगर आप MI.com से खरीदते हो, जो इसकी ऑफिशियल साइट पर, वहाँ पर इससे खरीदते हो तो आपको एक डिस्काउंट देखने मिलेगा। और वहीं अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पर खरीदते हो तो आपको कोई 12,999 में देखने मिलेगा, कोई 13,999 में आपको ये टीवी देखने मिलेगी, आप 11,999 में ये टीवी खरीद सकते हो जो 32 इंच की आपको देखने मिलती है। और वही अगर मैं बात करूँ तो रियलमी की, तो जो रियलमी स्मार्टफोन है आपको रियलमी 5 प्रो आखिरकार इसकी प्राइस कट आउट हो चुकी है, जो 4 GB रैम एंड 64 GB इंटरनल स्टोरेज थी पहले 13,999 में आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब आप खरीदोगे तो 12,999 में आपको देखने मिलेगा, तो जो इसकी प्राइस है वो 1,000 रुपये कट आउट हो चुकी है। तो अगर आप कौन सा ऑफर अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। उम्मीद करते हैं आज की टेक्निक्स आपको पसंद आए, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं डिसलाइक भी करोगे तो, और बहुत ज़्यादा पसंद आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी डेली टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगी। और वीडियो देखने के आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और मेरे को चाहिए फटाफट टिकटॉक पे एंड ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी हम बहुत कुछ आपको बताते रहते हैं एंड जो भी न्यूज़ आती है हम ट्विटर पे डाल देते हैं और टिकटॉक पे भी हम ऑफर बता देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, कीप स्माइल कीप सपोर्ट।